मैं बहुत खुश हूँ कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग इस अंडर थ्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर इस संस्था का पार्ट बन सके, जहाँ पे 150 से अधिक बच्चों को हमने एक होली मिलन का अवसर दिया मनाने का। और जब हमने ये होली मिलन इन बच्चों के साथ मनाया तो ये बहुत उत्साहित और बहुत खुश होकर ये मिलन मना रहे हैं। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का रीज़न ये है कि स्पिरिट ऑफ नोएडा हमने लॉन्च किया था, जिसकी वजह से हम ये सारी इवेंट्स कर पा रहे हैं। और इस इवेंट के थ्रू हम ये करना चाहते हैं कि जहाँ पे बच्चों को जो चीज़ें नहीं मिल पा रही वो वक्त के हिसाब से मिल सके। जिनको आज खाना बहुत मुश्किल है उनको आज होली मनाने को मिल रही है। और अगर आप फोटोज वीडियोज़ देखेंगे जहाँ पर वो उत्साहित हैं और मनाने के लिए, तो आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से वो इवेंट मन रहा है। डेफिनेटली कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ इवेंट्स इन फ्यूचर एज वेल, बिकॉज हम लोगों की फिलॉसफी एज एन ऑर्गेनाइजेशन यही है कि हम समाज के प्रति अपना जो भी कदम उठा सकें वो उठाएंगे, जिससे कि हम जहाँ जहाँ वीकनेसेस हैं उसको जो भी हम उसका कंट्रीब्यूशन बन सकते हैं, वी विल बी द कंट्रीब्यूटर फॉर दैट।